क्या गजब का क्रांतिकारी शख्स है, कन्हैया का वकील, हार्दिक का वकील, रोहिंग्या के पक्ष में वकील, राम मंदिर के विरोध में वकील, लव जिहाद के पक्ष में वकील, ट्रिपल तलाक के पक्ष में वकील, कपिल सिब्बल, हिंदू और हिंदुस्तान विरोधियों का सिंबल, कपिल सिब्बल की पिछली कुछ उपलब्धियां, हार राम मंदिर केस, हार राफेल केस, हार 370 केस, हार पेगासिस केस, हार ईडी और पीएमएलए केस, हार नोटबंदी केस, हार आधार कार्ड केस, गिनती जारी है। यह हार कर भी करोड़ों कमाने वाले वकील है। लालू को जमानत दिलाने के बदले ने राज्यसभा सदस्य बनाया। कपिल सिब्बल और उनके साथ 24 कांग्रेसी वकील खड़े करने वाले, रामजी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, नींव पूजन पर काले कपड़े पहनकर मातम करने वाले, आजादी से लेकर अब तक हिंदुओं के आराध्य को टेंट में रखने वाले, आज रामजी का नाम जप रहे हैं। यही है अच्छे दिन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले महीने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने राम मंदिर निर्माण से पहले आत्मदाह करने की बात कही, जिस पर बुरी तरह बौखलाए कपिल सिब्बल ने खुद अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल की जो पोस्ट वायरल हो रही है, वो पोस्ट 29 जुलाई 2020 की तारीख की बताई जा रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने राम मंदिर निर्माण से पहले आत्मदाह करने को कहा था। इस पोस्ट में कपिल सिब्बल की तस्वीर के साथ पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाया गया है, जिस पर लिखा है, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, राम मंदिर निर्माण से पहले आत्मदाह करूंगा। कपिल सिब्बल की पोस्ट का यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पोस्ट को शेयर करके कपिल सिब्बल पर तंज कस रहे हैं कि अब तो राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी सामने आ गई है और उन्हें उनकी पोस्ट के आत्मदाह के दावे को याद दिला रहे हैं। कपिल सिब्बल की वायरल पोस्ट पर अब उनकी सफाई सामने आई है। कपिल सिब्बल ने वायरल पोस्ट को रीशेयर करते हुए उसे गलत बताया है, कहा है कि यह पोस्ट भी झूठी है। इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इस झूठी पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में राजनीतिक बहस का स्तर किस हद तक गिर गया है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अयोध्या में राम मंदिर केस में कोर्ट में सुनी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी की थी। तब कपिल सिब्बल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद थे। वहीं इससे पहले 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, इस तरह से बिल पारित करना असंवैधानिक है। 90% जो बिल है वह जो पहले से चली आ रही है वही है। जिस औपनिवेशिक युग की यह बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा शक्ति दिखाई जा रही है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए यह वही कर रहे हैं। इसमें भारतीयता क्या है यह समझ नहीं आई। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।